हिमाचल चुनाव में मिली करारी हार बीजेपी के लिए भविष्य में खतरे की घंटी तो साबित नहीं होगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मोदी मैजिक डबल इंजन सरकार के काम और स्टार कैंपेनर्स की रैलियों के बाद भी हिमाचल में जनता ने बीजेपी से सत्ता की चाबी लेकर कांग्रेस को सौंप दी। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटें तो वही बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। हालांकि जैसे गुजरात में कांग्रेस का हाल हुआ है, वो हाल तब भी हिमाचल में बीजेपी का नहीं हुआ। हिमाचल में एक पैटर्न फॉलो होता आ रहा है कि हर 5 साल बाद जनता दूसरी पार्टी को मौका देती है, लेकिन दशकों बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी अपने ही गढ़ में फेल हुई है। हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा जैसी 3 संसदीय इलाकों के 51 सीटों में बीजेपी को 38 सीटों पर जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में खतरे की घंटी है। सिर्फ इकलौता मंडी संसदीय क्षेत्र था जहां बीजेपी को 17 में से 13 सीटें मिली है। बीजेपी अपने गढ़ हमीरपुर में खाता भी नहीं खोल सकी, जो कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह जिला है। अनुराग ठाकुर खुद अपने गृह जिले हमीरपुर में 5 सीटें गंवा चुके हैं। पिछले विधानसभा में इसी क्षेत्र में बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की थी। शिमला की बात करें तब तो हालात और खराब नजर आएंगे, जहां बीजेपी ने 17 में से सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिए, इस चुनाव में कई सीटों पर बड़े उलटफेर होते देखे गए। बीजेपी सरकार के 7 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। हारने वाले मंत्रियों में कुसमटी से सुरेश भारद्वाज, फतेहपुर से राकेश पठानिया, कुटलहर से वीरेंद्र कंवर, शाहपुर से सरवीण चौधरी, कसौली से राजीव सहजल, घुमावरी से राजेंद्र गर्ग और लाहौल स्पीति सीट से रामलाल मार्किंडे शामिल है। हिमाचल के ऊना स्थित कुटलहर विधानसभा सीट पर चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे। यहां कांग्रेस के देवेंद्र कुमार भुट्टो ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर को शिकस्त दी। वीरेंद्र कंवर के पक्ष में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भी चुनावी जनसभाएं की। उनमें भीड़ तो उमड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने यहाँ भी बीजेपी को मात दे दी। इस जीत से कुटलहर में कांग्रेस की हार का सूखा भी खत्म हो गया। लगभग 32 साल बाद कांग्रेस को कुटलहर में जीत नसीब हुई। हिमाचल प्रदेश की शाहपुर विधानसभा सीट पर सरवीण चौधरी बीते 4 चुनाव में जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के केवल सिंह ने उन्हें करारी शिकस्त दी। वो 12,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। गुजरात की बंपर जीत के सामने शायद हिमाचल की हार बीजेपी के लिए इतना मायने ना रखती हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के बड़े चेहरों को जनता ने नकारा, जिस तरह से बीजेपी के खुद के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई, वो आने वाले वक्त में चिंता का सबब बन सकती है। लेकिन इस हार की वजह क्या है? हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है और यहाँ पार्टी में 3 गुट है। एक तो नड्डा का है, दूसरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का है, जिनकी आकांक्षा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की पहले से रही है, ऐसा जानकार मानते हैं। तीसरा गुट खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रहा है। इसकी संभावना है कि इस गुटबाजी ने चुनाव को प्रभावित किया हो और कांग्रेस ने इसका बखूबी फायदा उठाकर जबरदस्त कैंपेनिंग की। हिमाचल प्रदेश नौकरी पेशा वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या वाला राज्य है और कांग्रेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम गेम चेंजर साबित हुआ। वो पहले भी इसे राजस्थान में लागू कर चुकी है। प्रियंका ने राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वायदा किया और ये भी कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला इसी पर लेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर जरूर था। इस चुनाव में अग्निवीर पर सबसे कम बात हुई, जबकि कांगड़ा और दूसरे इलाकों में ज्यादातर लोग फौज में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं, इसीलिए यहाँ फौज में भर्ती की इस योजना को लेकर काफी असंतोष था, जो कांग्रेस की जीत में एक और फैक्टर बन गया। ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। भले ही वोट प्रतिशत में 0.9% तक का फर्क रहा हो, लेकिन सीटों में इसने अपना असर जरूर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।